मंथन तो करती है बुद्धि, लेकिन माया बीच में बायरोरा डाल देती है। ढेर के ढेर मायावी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, प्रश्न चित्त बना देते हैं। और बुद्धि प्रसन्न चित्त नहीं रह पाती। जो भी मायावी प्रश्न आते हैं उनको क्लियर कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो प्रसन्न चित्त है ही और अंदर अंदर घुटघुटाते रहे। दिखावा करते रहे। हम तो आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के हैं। हम दिखावा करने वाले किसके थोड़े ही हैं। बाबा हाँ जी, हमारा परसा आज है ना? है परसा आते है ना, कैसे खड़े रहना? तेलुगु में बोल दो जल्दी जल्दी। माना परीक्षा समय में कैसे पास होना है? खुशी खुशी पास होना। जिनको प्रश्न का जवाब देना नहीं आता है तो रोते रोते प्रश्नोत्तर लिखते हैं, और जिनको सारा जवाब आता है वो खुशी खुशी लिख देते हैं। तो खुशी खुशी पास होना है। हाँ जी, कुछ और कुछ पूछना है? पूछ नहीं पा रहे, असली बात बताओ। माना परीक्षा आधे रोज समय माना बाबा के पास आना चाहिए, मैं तो रह नहीं ऐसा। बाबा के पास भागने की क्या दरकार है? आजकल तो दुनिया ही छोटी कर दी है। मोबाइल निकल पड़ा है, टेलीफोन निकल पड़ा है, ईमेल निकल पड़ा है। बाबा से समाधान किया जा सकता है? बाबा का नंबर नहीं है, लेकिन बाबा के हेड ऑफिस का तो नंबर है। हेड ऑफिस से ये नंबर से और सैकड़ों को तो जवाब मिलता रहता है ना। और बाबा तो गांव-गांव में बैठे बैठे मायावी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आ जाते हैं। प्रश्न जो आता है वो मायावी प्रश्न ही आता है। जो बाप के बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि बिल्कुल एक्यूरेट बाप के अनुसार चल रही है, वो तो निश्चिंत हैं। उन्हें कोई प्रश्न आता ही नहीं। उनके अंदर तो ये चलता है कि बाप हमारा खुद ही हमें देने के लिए आया हूँ। हम कुछ जानते थे पहले क्या? जब बेसिक नॉलेज में थे तो हमारे अंदर कोई ज्ञान था ऐसा क्या, गहरी बातों का? नहीं था। ये तो बाप आया हुआ है तो बुद्धि थोड़ी चलायमान हो गई, चलती भी है तो आप प्रश्न पूछने पूछने काबिल बने। तो बाप का टीचर के रूप में आया ना, स्टूडेंट को प्रश्न पूछ सकते हैं। टीचर के रूप में आया है, लेकिन टीचर हद का नहीं है, बेहद का बाप है। प्रश्न जो है वो प्रश्न चित्त वालों को होते हैं, लेकिन उसको दबाने की बात नहीं है। अगर मायावी संकल्प आते भी हैं तो उनको पोता मेल के बतौर सारी सभा के सामने प्रत्यक्ष कर देने में कोई हर्जा नहीं है। हो सकता है हमारे अंदर जैसे प्रश्न आ रहे हैं दूसरी आत्माओं के अंदर आ रहे होंगे।
तो उनको क्लियर कर देने में फायदा ही है, हमारा भी फायदा औरों का भी फायदा। नहीं तो वो प्रश्नचित्त होने का वाइब्रेशन फैलता रहेगा, और जो बाबा की असली याद है निसंकल्पी स्टेज की याद, उसमें टिक नहीं सकेंगे। बाबा हाँ जी ना, एक बात दूसरा में सही बोलते हैं ना बाबा। हाँ जी हाँ जी, ऐसे सेव कर पाएंगे जब एक बात से ही संबंध रखेंगे। अभी दूसरा दूसरा याद आ रहे, एक जन्म में जितने जितनों से संबंध जोड़ा है वो इस एक जन्म में हिसाब किताब संकल्पों के रूप में लेने आएंगे या नहीं? रिहर्सल चल रही है, शूटिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो 63 जन्मों में जो जैसा किया है वो संकल्पों की रील में घूम रहा है। घबराने की तो बात ही नहीं, आखिर कभी न कभी तो वो रिहर्सल पूरी होगी ना, रिहर्सल पूरी होगी और कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो तीव्र तरीके से हम प्राप्त कर लेंगे, हमारा नंबर पहले हो जाएगा, और धीमा पुरुषार्थ करेंगे तो धीमे धीमे होता रहेगा और नंबर बाद में आएगा। क्या उतना प्रश्न उनसे आ रही है, कहीं बेधर्मी बन गए तो और पूरी सभा की नजरों के सामने हम बेधर्मी बन जाए, ये तो ठीक नहीं है ना बाबा। है तो बाबा तो फिर पूछते हैं तो फिर बोलते मार्गी पूछते हैं बाबा दे सकते, क्या करना है? प्रश्न आता है, बुद्धि के अंदर प्रश्न आता है ना, तो स्टूडेंट को तो आना ही चाहिए ना। स्टूडेंट को प्रश्न नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। जो जो सूर्यवंशी बच्चे होते हैं उनको कोई प्रश्न ही नहीं आता, जो बाबा समझा रहे वो सब अच्छा है। फिर बोलते हैं ना आपको प्रश्न आते हैं तो पूछ, माया उनसे प्रश्न करवाती है बुद्धि में। अभी जो रुद्रमाला के बच्चे हैं उनमें भूत प्रेत प्रवेश कर रहे हैं, उनके अपने प्रश्न नहीं होते, वो भूत प्रेतानी आत्माएं उनमें प्रवेश करके प्रश्न पैदा करती है ईश्वरीय नॉलेज में। इसलिए इसलिए उन भूतों को निकालने के लिए ये जरूरी है कि उन प्रश्नों को सबके सामने क्लियर कर दे, ये प्रश्न ऐसा है। बाबा देश कौन तो बाबा से आते हैं ना, कुछ पूछे तो पूछो। हाँ बाबा का ही रिस्पॉन्ड मिलेगा, माया का रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, माया का नहीं मिल रहा, बाबा का मिल रहा। और बोलो पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछ सकते हैं, तभी तो कहा जा रहा है पूछो। बोल रहे जो माया वो पूछते हैं, एक तरह बोलते पूछो एक तरह बोलते माया। दुनिया में जितने भी देहधारी धर्मगुरुओं की सभाएं होती है, उन सभाओं में कहीं कहीं ऐसा होता होगा कि पूरी सभा को चैलेंज दे दिया जाए, जो चाहो तो पूछो, नहीं तो कोई मौका नहीं देता। और यहाँ यहाँ मौका दिया जाता है, कोई ऐसा प्रश्नचित्त बन रहा हो तो उन प्रश्नों को निकाल के बाहर करे, निश्चिंत हो जाए। जब कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई प्रश्न नहीं रहेगा, तो निसंकल्पी स्टेज आसानी से बनेगी। फिर उस समय बाबा नहीं बोलेंगे ना कि कुछ पूछना है तो पूछो, हैं? उस समय बाबा नहीं बोलेंगे ना कुछ पूछना है तो पूछो। आप पूछो, अभी भी पूछते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई जाए और सब बच्चे एक ही जैसे हो जाए। कोई सूर्यवंशी होते हैं तो कोई क्या वंशी होते हैं। इस दुनिया में जब भगवान बाप आते हैं तो इस दुनिया में कोई सूर्य का प्रैक्टिकल रूप होता है क्या?
नहीं होता है। जब भगवान बाप ज्ञान सुनाते हैं तब कहा जाता है सूर्य को ज्ञान दिया। सूर्य पहले अज्ञानी था, भगवान ने जब ज्ञान दिया तो ज्ञान सूर्य बना। तो एक है ज्ञान सूर्य, तो बाकी सारी दुनिया अंधेरे में है या उजाले में? अंधेरे में। माना ज्ञान सूर्य की औलाद सूर्यवंशी बच्चे कोई है ही नहीं। तो अहंकार करना कि नहीं हम तो सूर्यवंशी बच्चे ही है, ये तो ठीक बात नहीं। इस दुनिया में कोई भी सूर्यवंशी नहीं होता। बाप आकर के सूर्यवंशी बच्चे बनाते हैं, जो भी रुद्रमाला के मन के हैं सब कन्वर्ट हुए पड़े हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो माया के प्रभाव से प्रभावित न हुआ हो। प्रभावित माना प्रजा। तो जब प्रजा बन गए तो सूर्यवंशी कहाँ रह गए? इसलिए इसमें कोई हीनता की बात नहीं है कि हम सबके सामने अपने प्रश्न को बाहर कैसे निकाले। हम तो विदेशी विधर्मी साबित हो जाएंगे। कोई गारंटी नहीं। और सिखों के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गुरु नानक साहबा की तरफ पांव करके पड़े हुए थे। एक मुसलमान आया, उसने कहा हे तुम काबा की तरफ पांव करके क्यों सो रहे हो? तो गुरु नानक ने कहा अच्छा जिधर काबा न हो उस तरफ हमारे पांव को कर दो। तो उसने पांव को उठाया और दूसरी तरफ कर दिया। गुरु नानक ने कहा देखो काबा किधर है? तो जिधर उनके पांव थे उधर ही काबा दिखाई पड़ा। फिर उन्होंने कहा अरे जिधर काबा ना हो उधर हमारे पांव कर दो। उन्होंने फिर उठाया और दूसरी दिशा की तरफ रख दिया। कहा ध्यान से देखो तुम्हारा काबा किधर है? तो बेचारा परेशान हो गया, बाप खड़ा हुआ है। काबा माना अरब देश में जहाँ हज करने जाते हैं, उस हज के स्थान को काबा कहते हैं मुसलमान। हाँ जी, उनका तीर्थ स्थान। तो ये तो बातें लिखी हुई हैं उन धर्म गुरुओं के
फॉलोअर्स में। ऐसा कहीं होता नहीं है कि काबा चारों दिशाओं में उनका घूमता रहे। और अर्जुन के पासुपता देने के लिए क्यों आता है? आता है तो पार्वती जी साथ आती है। पार्वती बोलती उनसे वो अर्जुन को पीठ में मच्छा है तो मच्छा हमको बताना। वो तो पीठ बताती पीठ में क्या है? पीठ में मच्छा मच्छा दाग 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 वो हमको बताना बोलती। बोलने से वो बताने से मैं हार जाना उससे। किससे आ जाना? अर्जुन से। जब पार्वती आ जाना मैं क्यों क्यों हार जाना? हार गए तो तुमको दिखाई पड़ेगा वो दाग है। मैं उससे हार गए तो तुमको दिखाई पड़ेगा। अरे गाय के लिए झंझट में पड़े हो शास्त्रों की। बाबा ने तो मुरली में शास्त्रों में सब भूसा बड़ा पड़ा है। जो बातें मुरली में बाबा बोलते हैं, जो बातें अव्यक्त वाणी में बोलते हैं, वो सार की बातें है। ज्यादा विस्तार में जाने से कोई सार नहीं मिलता। वो मच्छा क्या है? वो दाग क्या है बोलने से? है वो दाग क्या दाग है वो बताना है। दाग है ना? दाग तो सबके पीछे है। एक अर्जुन की बात थोड़े ही है। जो भी पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हैं उन सब के पीछे दाग भरे पड़े। चंद्रमा में ही देखो कितने दाग हैं। जो हमारी अम्मा है सारी दुनिया की, उसमें ही इतने दाग हैं। तो बिना दगीला कौन बचेगा? हाँ जी बाबा, माता जी पूछ रहे 14 जन्म मतलब 63 जन्मों का जो बोझ है पाप है इसका हम एक में खत्म हो जाता है। तो खत्म होने के बाद फिर ये चक्र ऐसे घूमते रहते हैं तो ऐसे क्यों ऐसे करके पूछते? पाप खत्म हो जाता है तो जो पुण्य तो बचता है ना, वो पुण्य का चक्कर शुरू नहीं होगा? स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं? हाँ जी आगे नर्क में तो आएंगे, लेकिन 63 जन्मों में जो पाप किए हैं उनका तो एक गुना बोझा चढ़ता है और यहाँ ज्ञान में आने के बाद तो 100 गुना बोझा चढ़ता है। अगर श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं तो वो शूटिंग का हिसाब कहाँ मिलेगा? और हम और अपने 14 जन्मों को पता है वो जो राम बा को होगा उसको पता होगा? जो राम बा को होगा उससे पूछो। उनसे पूछ रहे इसकी क्या गारंटी कि ये राम बाप है? ये तो तुमने अभी साबित ही नहीं कर पाया कि ये राम बाप है। दुनिया के सामने जब साबित कर लो तब राम बाप से पूछा जा सकता है। बाप से पूछते हैं वो सभी का पता है ना? अरे वो बाप है कहाँ, हमें भी तो दिखाओ, हम भी तो ढूंढ रहे हैं। बैठा हुआ कौन है? हैं? बैठा हुआ कौन है? बैठा हुआ राम रावण भी हो सकता है और राम के अंदर क्यों भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। सकता है तो तुम समझो, हमारी बुद्धि में तो नहीं आता। हमारी बुद्धि में तो ये आता है कि अगर राम बात समझो शिव बात समझो तो हिरण्यकश्यप समझो। अपन को भगवान कहने वाला या समझ के बैठने वाला वो हिरण्यकश्यप है।
हिरण्य कैसे बताना चाहते हो? हमें बताया गया ना बाबा रामबाब ने, जिसने बताया उसको पकड़ो, उसका गला पकड़ो। हम तो बताया नहीं कभी, ज्ञान से तो बताया। कौन सा ज्ञान से बताया बताओ? मुरली में है ना, मुरली में तो है ना राम, मुरली में है, जिसने मुरली चलाई उससे पूछो। कोई कैसे तुम्हें नहीं बताया, कोई कैसे तुम्हें नाम लेकर धाम दे करके नहीं बताया, एड्रेस दे करके नहीं बताया कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। ये राम है नहीं, राम बाप को कहा जाता है बोला है? राम बाप को कहा जाता है ये कहा? अब जो राम हो उसको बाप कहेंगे? हमें तो फर्क ही है ना, ज्ञान के आधार से हमें तो फर्क है, तो आप पढ़ते हैं, आपकी बुद्धि ने परख लिया, अपनी अपनी बुद्धि अलग अलग है ना, और दूसरे जो ब्राह्मण है ढेर के ढेर तो वो उन्होंने तो नहीं परख पाया। जब बच्चा पैदा होता है तो सारी दुनिया मानती है कि पैदा हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। एक आप मान रहे हैं कि बाप आया हुआ है, सारी दुनिया थोड़ा ही मान रही है, उसी दुनिया के अंदर हम भी एक है। जो बाप है वो भी टीचर है। हाँ वो टीचर भी है, वो तो ठीक है, वो मुरलियों का सारा ज्ञान सही है कि जो बाप है वो टीचर है, जो टीचर है वो सदगुरु है, लेकिन कौन है ये तो अभी साबित नहीं हो रहा है। जो मुरलियों का क्लैरिफिकेशन दिया उसी स्वरूप का तो नहीं मानेंगे। मुरलियों में क्या क्लैरिफिकेशन दिया? तो ब्रह्मा के थ्रू जो भी मुरलियाँ हैं उसने जो भी बातें हैं उसको क्लैरिफिकेशन दिया ना? हाँ दिया है। तो उसी स्वरूप का तो नहीं मान रहे राम बाप? हाँ तो कौन सा स्वरूप है बताओ? वही उसका प्रूफ देना पड़ेगा ना, बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते। आपके पास बहुत प्रूफ है, आपके पास तो बहुत प्रूफ है। नहीं हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि भगवान कौन है। गीता में बोला ना प्रवेश, गीता में बोला ना प्रवेश। हाँ हाँ प्रवेश तुम गीता में बोला, हो सकता है तुम्हारे अंदर प्रवेश हो। प्रवेश करते आज हम प्रवेश करता है नहीं, मुरली में तो बोला है बच्चों में मम्मा बाबा आ सकते हैं। हमारे सामने से इतना देने वाले हैं अभी तक कोई नहीं सामने, जो आसाराम बापू के फॉलोअर हैं। आप तो हैं 200-500 होंगे ज्यादा से ज्यादा, आसाराम बापू के फॉलोअर हजारों लाखों की तादाद में बड़ी मजलिस बना के बैठते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए तो आप ही भगवान है, आप जैसा विस्तार का ज्ञान तो और कोई नहीं दे सकता। जो मुरारी बापू के फॉलोअर हैं वो भी लाखों की तादाद में बैठते हैं सामने, वो कहते हैं हमारे लिए तो मुरारी बापू ही भगवान है। आचार्य जी के फॉलोअर कहते हैं आचार्य जी से ही भगवान है। हाँ तो बताओ कौन भगवान है? अब वोट डाल लो किसके वोट ज्यादा पड़ेंगे। अभी 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 राम राज्य आ गया है या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, तो आप वोट डाल के देखो सारी प्रजा जो है दुनिया में किसको भगवान मानती है। बाबा उन लोगों के पास 3 काल का ज्ञान नहीं है, उन लोगों के पास तो 3 काल का ज्ञान नहीं है। 3 काल का ज्ञान नहीं है ना? 3 काल का ज्ञान, वो कहते हैं हमको 3 काल का ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, हमारे गुरु जी के पास 3 काल का ज्ञान है? फिर हम प्रूफ दे सकते हैं ना? प्रूफ दो, कौन सा प्रूफ दे रहे हैं बताओ? हाँ मुरली में प्रूफ है, लेकिन आप किसी को थोड़े ही उंगली उठा करके चित्र छपा के कह सकते हैं कि ये राम बाप है। अगर कह सकते होते तो प्रत्यक्ष भी कर दिया होता। बाप को पहचानने वाले हम लोग पांडव तो 5 है। हाँ तो 5 पांडव जब तक है तब तक विजय नहीं हुई है ना, अभी विजयी तो नहीं है, अभी झंडा बुलंद तो नहीं हुआ है। हाँ होगा,
बाबा पुराना दुनिया को नया करने से भी दुख हो सकता है ना? है? पुराना दुनिया को नया बनने में? हाँ। राम बाप का तो जो अभी नई दुनिया बनी तो नहीं है, लेकिन वो हो रहा है ना धीरे धीरे। कहाँ हो रहा है दिखाओ? ब्राह्मण दुनिया में मन बुद्धि से होता है ना। ब्राह्मण दुनिया में मन बुद्धि के अंदर से होता है ना। मन बुद्धि ज्यादा सारी मन बुद्धि सारी दुनिया है। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज, मुसलमान भी कहते हैं जन्नत। वो तो सबकी बुद्धि में जन्नत तो पैराडाइज भरा हुआ है, लेकिन वो नया दुनिया तो नहीं बना सकती। वो नया दुनिया तो नहीं बना सकती। अब तुमने तुम्हारा भगवान कौन सा है जिसने नई दुनिया बना ली? दिखाओ। अब हंसने से तो ही चलेगा, बताओ। ऐसे प्रश्न पूछो उसका जवाब नहीं बता सकते। जो बात अभी बताने की होगी वो अभी बता देंगे, जो बात बाद में बताने की होगी वो बाद में बता देंगे। तीन साल की बात है, प्रूफ हो सकता है? तीन साल की बात जो है करो, रुक करो, करके दिखाओ। उस प्रेता जो है उन लोगों को पता नहीं ना? उन लोगों को पता नहीं, लेकिन तुमको तो पता है। तो कहाँ है? अभी कोर्स कराना पड़ेगा। फिर कोर्स कराना पड़ेगा। किसको कराओ कोर्स? तो आएंगे काम ना करो। हैं? आएंगे काम ना करो। अरे तुम जाके दे दो कोर्स। हाँ जी, गीता का भगवान श्री कृष्ण है? नहीं, गीता का भगवान शिवशंकर भोलेनाथ है बोल के मुझे गीता माता को बोलने से चलेगा ना जी? हाँ चलेगा। और गीता माता तो मैदान में लाओ पहले। गीता माता है तो गीता पति भगवान के साथ होनी चाहिए ना? वही नहीं तो कौन मानेगा? वही साबित करना है ना। तो वो साबित करने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल। गीता पति भगवान और गीता माता साथ में होनी चाहिए। देखो मुंह से बोलते रहो तो कोई मानने वाला नहीं है। शास्त्र में बताने से मानेगा? तो शास्त्र शास्त्र तो झूठे हैं मनुष्यों के लिखे हुए, उनके बताने से कैसे भगवान साबित हो जाएगा? माता को बताने से। माता मिलेगी तुम्हें तब तो बताओगे। तो माता को रावण ने अपने छुपा के रखा हो अशोक वाटिका में, तो हनुमान बन के जाके माता के बाबा वो ब्रह्मा कुमारियाँ भी कहती है ब्रह्मा कब आएगा भगवान का रूप, भगवान विष्णु भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होकर के। वहाँ भी अम्मा ही अम्मा की रेट लगा रहे, अम्मा अम्मा अम्मा। एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्मा भी अम्मा 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 चिल्ला रही है। है घर के गेट को खोलना है, लेकिन घर के गेट को खोलने के लिए किसका आवाहन करने के लिए बोला है? विजय माला का आवाहन करने के लिए बोला है। पहले तो जगदम्बा आएगी, कोई जरूरी नहीं। तो बिना सफाई से लक्ष्मी आ जाएगी? लक्ष्मी तो आएगी, बिना सफाई से हो जाए। जिसका आवाहन किया जाता है उसको आना है, और जो सफाई की जाती है और सफाई करने वाली है उसको दिखाते नहीं है। पहले बड़ी मम्मी आना, छोटी मम्मी आएगी। हाँ जी, बड़ी मम्मी कहाँ आएगी? उसका काम तो सफाई करने का है, झाड़ू चला देना, झाड़ू दिखाई पड़ेगा। जैसे झाड़ू लगाना है बाद में छोटी मम्मी आना। हाँ जी, जब दीपावली होती है तो पहले सफाई होती है, कीड़े मकोड़े साफ हो जाते हैं, इसलिए बड़ी मम्मी मैं पहले आना है ना। सफाई रह करके झाड़ू लगा। हाँ जी, प्रत्यक्ष नहीं होगा, झाड़ू लगाने वाली को नहीं दिखाया जाता, झाड़ू को दिखाया। झाड़ू भले प्रत्यक्ष हो जाए, झाड़ू करने वाले होकर भी झाड़ू प्रत्यक्ष। कीड़े मकोड़ों को जब झाड़ू लगेगा तो चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? हैं? फिर कौन करेंगे? झाड़ू लगाने वाली भी तो दिखनी चाहिए ना।
झाड़ू लगाने वाली तो प्रकृति है, जिसके पर कट जाते हैं ज्ञान योग के, उसको प्रकृति कहा जाता है। हाँ जी, वो संसार के विनाश के लिए निमित्त बनी हुई है। जो ज्ञानी आत्मा होती है वो संसार के विनाश का कार्य करती है या स्थापना और पालना का कार्य करती है? विनाश का काम करती है, स्थापना और पालना का काम करती है। ज्ञान से होती है सदगति और अज्ञान से होती है दुर्गति। बाबा बोलते हैं तो जगदम्बा जैसा ज्ञान किसी में नहीं है। ज्ञान हो, रावण में ज्ञान जैसा था उतना ज्ञान कोई भी विद्वान पंडित आचार्य और ब्राह्मण में नहीं था। लेकिन फिर जीवन में ऐसा धारण हो जिससे दुनिया का कल्याण हो। धारण तो किया लेकिन दुनिया का कल्याण कुछ भी नहीं किया, तो फायदा क्या हुआ? इसलिए लक्ष्मी जो है वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करती है और संसार में बांटने के निमित्त बनती है, दूसरों का कल्याण करती है। इसलिए लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए बोला है अव्यक्त वाणी में। हाँ जी, है हाँ जी, विनाश होता है इम्प्योरिटी से और प्योरिटी से होती है स्थापना और पालना। इसलिए बताया शंकर विनाश नहीं करता है। अगर शंकर विनाश करता है तो अपवित्र हुआ या पवित्र? शंकर को क्या कहेंगे, पवित्र कहेंगे या अपवित्र कहेंगे? है? क्या कहेंगे? पवित्र कहेंगे तो विनाश नहीं करता। विष पीता है लेकिन विष पीने वाला उसमें कौन है? शिव विष पीता है या शंकर पीता है? शंकर रंग किसको नहीं लगता? शिव को नहीं लगता। तो विष पीने वाली बात भी वास्तव में शिव के लिए लागू होती है। तो हम फिर क्यों? वो तो बच्चों के लिए बोलो, साथ चलकर चलो ना। वो तो बच्चों के लिए बोल रहा है बात, तुम बात के लिए बोल रहे हो? है कौन पूछ रहा है? कौन कितनी से पूछ रहा है? वो रूल कौन से मुख कौन सा है? गंगा के मुख से कौन सा कौन पूछ रहा है? वो कह रही ब्रह्मा का मुख है। कौन किससे पूछ रहा है? की पूछ रहे शिव को मुख है? नहीं है। नहीं है तो कौन से मुख से किससे पूछ रहा है? साकर है, साकर समय प्रवेश करते हाँ उससे। वो बाप की याद में रहता है या विष पीता है? दिखाते है पीते हुए। वो तो दुनिया दिखाती, भगत लोग दिखाते हैं, ये बाबा ने दिखाया है। तो शंकर नहीं, बाबा ने कोई चित्र दिखाया है ऐसा बनाया है कि शंकर विष पीता है? बाबा की प्रेरणा, लेकिन मुरली में तो बाबा प्रेरणा भी देता है। वो बाबा प्रेरणा देता है झूठे चित्र बनवाने की? हाँ नहीं बाबा, वो यादगार भी है ना। क्या यादगार है? पीते हुए दिखाया। वो यादगार जो भक्तों ने बनाई है या ज्ञानियों ने बनाई है? मुरली में पॉइंट आया ना, मुरली में पॉइंट आया, उसका डिस्कशन बता दिया। कहते हैं शंकर ने विष पिया तो गला नीला हो गया, गला काला हो गया। अभी यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। माना बच्चे इस बात को अभी समझा नहीं पा रहे हैं, इतनी ताकत नहीं आई है कि लोगों को ये समझा सके कि विष पीने की शंकर को क्या दरकार और शंकर विष पीता है या नहीं पीता है, असलियत क्या है। तो वो बात खत्म हो गई। कर क्या खुजला रहे? हाँ प्रजाता, जब तक प्रजापिता के प्रतिष्ठित ना हो, माना जिनकी प्रवेशिका ना हो, तब तक ब्रह्मा की रात को दिन बनाने का प्रयास कर नहीं सकता। हाँ अब आप पूछ क्या रहे वो तो बताइए। तो
प्रजापिता जब तक प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष ना हो संसार में। हाँ जी माना इसकी प्रत्यक्षता ना हो प्रवेशता ना हो तब तक ब्रह्मा की रात को दिन बनाने का प्रत्यक्ष करने का प्रयास नहीं कर सकते। तो शिव का प्रवेश सन 36 में नहीं हुआ है। प्रजापिता जब तक प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष ना हो तो प्रजापिता के रूप में प्रजापिता सन 36 में प्रत्यक्ष नहीं हुआ। हुआ लेकिन मुरली में ऐसे आया ना, मुरली में तो ऐसे आया। ये तो बात क्लियर नहीं हो रही है। क्लियर नहीं है इसलिए माता जी नहीं वो पॉइंट निकालना पड़े और बताना है। हाँ वो मुरली लानी पड़े साथ में। सीढ़ी में है बाबा, सीढ़ी में है। सीढ़ी में है तो मुरली का पॉइंट थोड़ा ही है। नंबर 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 वन का, लेकिन सीढ़ी नंबर नहीं है, मुरली नंबर है। सीढ़ी नंबर नहीं है, मुरली का नंबर। हाँ तो प्रत्यक्षता सारे विश्व के अंदर की बात है, माने एडम और आदम को पहचानने की बात है या सिर्फ यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, जब ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सारी दुनिया में हो जाएगा। पहले होना। हाँ पहले तो सन 76 में। हाँ 36 में तो वो तो बीज बोया, वो तो किसी को पता ही नहीं पड़ता है। उसके बाद प्रजापिता आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी रहता है। आदि में कभी बात, मध्य में कभी कभी थोड़ी सी आत्मा उनके बीच में रहता है, अंत में संपूर्ण प्रत्यक्षता सारे विश्व के अंदर। सब कहते हैं यही है, यही है, यही है। रात को दिन बनाने वाला आ गया है। आ गया है तो बाद की बात हुई, लास्ट की बात हुई, अंत समय की बात हुई या आज और मध्य की बात हुई। बात कर दू ये तो इसमें खुद ही जवाब दे दिया कि अंत में जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो प्रजापिता भी प्रत्यक्ष होगा, शिव भी प्रत्यक्ष होगा और संसार में बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो प्रत्यक्षता होगी नहीं बाबा। है अभी क्वेश्चन पूछना, राम कौन है कैसे बताएं? अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है ना, प्रत्यक्षता हुआ है। यही है, यही है, यही है। आपके कह देने आप जिसके सामने यही है यही की घंटड़ी बजाएं, जैसे भगत लोग हैं मुंह पे घंटड़ी बजाते रहते हैं, तो वो तो जय मूर्ति है, वो तो बेचारी कुछ नहीं कहेगी, कहेगी अच्छा भाई बजाते रहो। लेकिन लेकिन चैतन्य तो कहेगा ना, साबित तो करो पहले। हाँ तो पहले साबित करो संसार के सामने, वो मूर्ति के सामने घंटड़ी बजाने से कुछ नहीं होगा। हाँ अम्बा माता जो आएगी। हाँ जी दो बच्चे हैं। अम्बा माता की दो बच्चे हैं, मतलब पापी है ना शंकर भगवान है। अम्बा माता के दो बच्चे हैं, पार्वती माता और शंकर भगवान है ना, गणेश और कार्तिकेय। हाँ दो बच्चे तो बच्चा तो बाप करेगा ना, बाप करेगा ना अगर वो आएगा। वो गणेश और कार्तिकेय कोई होते हैं बाबा? आपने बताया है कोई तो माता होगी ना, गणेश और कार्तिकेय की नहीं हाँ। जो माता की गीता माता होगी अगर आएगी, उनके जो बच्चे हैं उनकी तरह। गीता माता और पार्वती अलग अलग है कि एक ही है? सब एक ही है, उनके अंदर आती है ना वो तो ऐसे जन्म है। गीता माता और पार्वती माता ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग 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 है। हाँ उनके अंदर आते हैं। किनके अंदर? देह के अंदर आते हैं। आपने वैसे में बताया था एक डब्बा है, मतलब उसके अंदर आते हैं, प्रवेश होती है ना जगदम्बा जो है वो डब्बा है, उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रवेश करने वाले ब्रह्मा जी सोल है। हाँ ब्रह्मा की बात प्रवेश। हाँ उनके जो बच्चे हैं ना, जगदम्बा के बच्चे, जगदम्बा के बच्चे तो सारी दुनिया है, देवताएं भी जगदम्बा के बच्चे हैं और राक्षस भी जगदम्बा के बच्चे हैं। राक्षसों को माँ बना, वो राक्षसों को राक्षस बनाने वाला कौन? विष्णु है या ब्रह्मा है? राक्षस किसकी गोद में पलते हैं? ब्रह्मा की गोद में राक्षस पलते हैं।
भक्ति मार्ग में भी बताया है कि विष्णु कोई देवताओं को सिर्फ तरजीह देता है, लेकिन राक्षसों को तरजीह नहीं देता, उनको कोई संरक्षण नहीं देता। इसलिए जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं दिया है, लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है, भारत माता बनना है। जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं दिया है कि जगत की अम्बा बनना है। हाँ जी, अभी कलयुग की दुनिया में नरभक्षी जानवरों जैसे पाठ बजाने वाले मनुष्य हैं या नहीं है? मनुष्य हैं, वो हिंसक भी हैं। तो मनुष्य जब हिंसक बनता है तो जानवर भी हिंसक बन जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशन के अंदर कंट्रोलिंग पावर है। और मनुष्य जब सात्विक बनता है, शेर की तरह पाठ बजाने वाला हिंसक मनुष्य जब सात्विक बन जाता है तो शेर भी सात्विक बन जाता है, वो चौपायों में गिना जाता है। वो जाति चार पांव वाले जानवरों की है, चौपाय जो है उनकी वो जाति बदलती रहती है। जैसे डायनासोर की हड्डियां मिली हैं और अभी डायनासोर की हड्डियां नहीं मिल रही हैं, आज डायनासोर भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कोई जंगल में आग लगी थी और डायनासोर सारे खत्म हो गए थे, जो कोई एकता दुक्का बचा वो दूसरे से दूसरे प्राणी के साथ संसर्ग कर बैठा। जो और चार पांव वाले घड़ियाल वगैरह होते हैं और उनसे दूसरी दूसरी जातियां पैदा हो गई, डायनासोर खलास हो गया। ऐसे ही जो सतयुगी नई शक्ति आती है उसमें देवताई वाइब्रेशन हो जाता है, जानवर भी अपना जानवरियत का कर्म उन कर्मेंद्रियों से करना भूल जाते हैं, वो खूंखार शेर जैसे नहीं होंगे वहां। ये इस कांटों के जंगल की बात है जहां हिंसक प्राणी होते हैं। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है, इसलिए हिंसक प्राणी भी है। नई दुनिया में फूलों का बगीचा होगा, वहां कोई किसी को दुख देने वाला नहीं होगा, जानवर भी किसी को दुख देने वाले नहीं होंगे। मच्छर और मक्खी जैसे गंध करने वाले तो प्राणी होंगे ही नहीं, उनकी बताई ना अभी प्रजाति बदलती रहती है। चार पांव वाली गाय तो होगी, सात्विक होती है जानवर, लेकिन चार पांव वाला कोई हिंसक जीव जंतु नहीं होगा। द्वापर युग से बात बदल जाती है, मनुष्य हिंसक बनता है, विकारी बनता है, तो जानवर भी विकारी बनने लग पड़ते हैं। तो आप बोलते हैं जिस दिन जो होगा उसी दिन क्या आएगा? हाँ, तो आत्मा भी तो बीच में, तो वहाँ शेर नहीं रहेगा तो शेर की आत्मा नहीं रहेगी, तब कलयुग में कैसा? बताया ना, अभी ध्यान नहीं दिया, तुम दूसरे काम में लगे हुए। चौपाए जो होते हैं ना उनकी एक जाति होती है, तो चौपाइयों की जाति जो है वो एक जाति से दूसरे जाति में संसर्ग करने से उसकी जाति बदल जाती है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा अगर गधे के साथ संसर्ग करता है तो खच्चर जाति एक नई पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही चौपाए जानवरों में एक दूसरे के साथ संसर्ग करने से जाति बदल जाती है, जैसे मनुष्यों में जाति बदलती है। इंडिया का पुरुष और इंग्लैंड का पुरुष, अंग्रेज और भारतीय के साथ शादी हो जाती है तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? एंग्लो इंडियन जैसे बच्चे पैदा होते हैं?
कोई अफ्रीका का बौना हो, छोटे छोटे बौने होते हैं, मोटे ताजे हट्टे कट्टे काले काले, और उनका संसर्ग संपर्क किसी गोरी औरत के साथ हो जाए तो संतान बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी। तो ऐसे ही ये चार पांव वाले जो जीव जंतु हैं उनकी भी जाति बदलती रहती है। और है जी, शेर हिरण बन सकते हैं। मान लो शेरों के जंगल में जो भी शेरों का जमात है और उस सारे जंगल में आग लग जाए और शेर खत्म हो जाए, एक दुक्का बच गया कोई, और वो हिरणों के जंगल में चला गया, अब उसे भूख तो लगेगी बेकार की, कहाँ जाएगा? जब उसे बेकार की भूख सताएगी और शेर नहीं कहीं मिलेगी नहीं तो कहाँ जाएगा? हिरणों के जंगल में है, तो जाति बदल जाएगी। कोई कोई कुत्ते भी शेर जैसे मुंह वाले होते हैं, देखने से लगता है कि ये शेर जैसा है, बड़े खूंखार कुत्ते होते हैं। ये तब्दीली कहाँ से आई? बाबा मैंने किसी को सुख नहीं देना है, दुख देंगे तो सब जानवर को लोग काट के खाते हैं ना, वो सब नहीं बनते। जानवर काट के खाते हैं? हाँ जी, जानवर अकेले क्या, मछली जानवर है वो तो खाते ही रहते हैं मनुष्य, वही सब नहीं बनते। क्यों नहीं बनता है? मनुष्य के पास नहीं बने। जंगल में जब मनुष्य पैदा होते थे, जंगल में रहते थे, जब जंगल में मनुष्य रहते थे तो जानवरों ने उनको काट काट के खाया कि नहीं? मनुष्यों को काट के खाया, मनुष्यों को काट के नहीं खाया जानवर, अभी नहीं खाते? तो ये हिसाब किताब होना क्या बड़ी बात है। और हिसाब किताब है ना, अलग करने वाला कच्चा वाला बन गए। राम बाप को 63 जन्मों से अनेकों से हिसाब किताब होना, तो एक लव करने वाला कैसे बन गया? भक्ति जो है वो भक्ति करने वाले एक ही जैसे भक्त होते हैं, एक ही कैटेगरी के या अलग अलग कैटेगरी के होते होंगे? तो भक्तों में कोई ऐसा भी भक्त भी तो होता होगा जो आज से लेकर के अंत तक सात्विक स्टेज वाला हो, एक ही भक्ति करने वाला हो। जैसे शैव संप्रदाय होता है तो शैव संप्रदाय में एक शिव को मानते हैं और कोई देवता को उतना महत्व नहीं देते, तो ऐसे ही उन शैव संप्रदाय वालों में भी तो कोई ऊंचा भगत होगा ना, तो वो एक को मान्यता देगा या अनेकों को देगा? तो जब ज्यादा जन्म एक को ही मान्यता देगा तो जैसी भक्ति की होगी वैसा ही ज्ञान उठाएगा। बाहरी इंद्रियों से भले अनेकों से संबंध जुटता रहे लेकिन बुद्धि की अगर एकाग्रता रहती है भक्तों की तो वो ही शूटिंग में चली जाती है। हाँ, जब 63 जन्मों की रील खत्म होती है और क्या, शुरू भी उसी समय से होता है जब से ज्ञान में आता है। ज्ञान में आना हुआ, यज्ञ में आया और शूटिंग शुरू। शूटिंग कब तक चलेगी? शूटिंग कब तक चलेगी? जब तक 63 जन्मों का हिसाब चलेगा। बाबा, मोर विषैले सांप खाता है ना? हाँ जी, तो उसको कुछ असर नहीं होता है? मोर विषैले सांप को खाते है ना, तो सांप का असर कुछ नहीं पड़ता है क्या मोर के ऊपर? वो इतने तेजी से सांप को पकड़ता है कि वो
उसका मुख जो है आपने अंग से नहीं लगने देता। जैसे नेवला है तो नेवला में ये शिफ्ट होती है कि जब सांप को काटता है तो ऐसे कतर कतर के काटता है कि उसका मुख उसको काट नहीं पाता है। अंदर अंदर विष रहेगा ना सांप का, वो भी खाने का। वो मुख के अंदर विष नहीं होता है, विष दांत के अंदर की थैली में होता है। तो नहीं खाते नहीं देते। और क्या बॉडी को खाता है। सर जो भी अधिकार चलाते हैं वो बाद में फिर भी अधिकार चलाते हैं, अधिकार अंदर में रहते हैं अधिकार इधर जो अधिकार। अच्छा ज्ञान में रह करके जो दूसरों के ऊपर अधिकार चलाते हैं आर्डर चलाते हैं उनको वहाँ आर्डर में चलना पड़ेगा। हाँ जी यहाँ आत्मा आत्मा भाई भाई होकर के रहना है, किसी के ऊपर आर्डर नहीं चलाना है। क्या अपने बाप को जेल में डलवाया, अपने बाप को जेल में डलवाया? हाँ तो यहाँ भी डलवाया होगा। ऐसा हाँ तो वो उसका पूर्व जन्म में कोई हिसाब किताब बना होगा सारे। यही की बात है और वहाँ की भी बात है। तेरह जन्म में कोई एक ही ऐसा जन्म थोड़ा ही होता है, एक जैसे जन्म दो दो तीन तीन भी हो सकते हैं। हाँ ब्रह्मा को एक ही आदमी साक्षात करवाना, कोई भी साक्षात्कार जो होते हैं उनकी शूटिंग संगम युग में होती है। ऐसे नहीं कहेंगे तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को और मीरा को परम धाम में बैठ करके शिव साक्षात्कार कराता है, नहीं। ये शूटिंग पीरियड में नूद होती रहती है और जो नूद होती है वही वहाँ प्रत्यक्ष हो जाती है। ज्ञान की शुरुआत तो तब से होती है जब शिव पहले व्यक्ति में प्रवेश करता है। ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कब कहेंगे? जब दादा लेखराज को साक्षात्कार हुए तब कहेंगे, या जब दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन बाद में सामने आया तब कहेंगे? ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कब कहेंगे? जब क्लेरिफिकेशन मने नहीं उन साक्षात्कारों का अर्थ जब सामने आया, साक्षात्कारों का जब असली रहस्य सामने आया ब्रह्मा के सामने, तो कहेंगे कि हाँ वो ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई। जैसे तुलसीदास को साक्षात्कार हुए ऐसे ब्रह्मा बाबू को भी साक्षात्कार होगा, उसे ज्ञान यज्ञ थोड़े ही कहेंगे। जो संकल्पों में आता है वो स्वप्न में भी आता है। इस जन्म के संकल्प भले न किए हुए हों लेकिन पूरे जन्म के जो संकल्प हैं वो भी रील में आ जाते हैं। स्वप्न और साक्षात्कारों की भी रील घूमती रहती है बाबा। हाँ जो जो चुप रहते हैं और अंदर संकल्प भी चलाते रहते हैं वो तो और ज्यादा अपने कोतामेल को गुप्त करने वाले हैं, वो ज्यादा बड़े विधर्मी हैं। जो अंदर एक और बाहर दूसरा है वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक है, खतरनाक। खौफनाक माने ज्यादा भय पैदा करने वाला है, वो तो ज्यादा खतरनाक हो गया। जो पूछते हैं वो कम खतरनाक इसलिए है कि उनके अंदर माया तो आती है, माया तब आती है जब कहीं ना कहीं श्रीमत की बरखिलाफ ही करते हैं, क्योंकि बाबा ने माया को डायरेक्शन क्या दिया हुआ है? माया बेटी जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब फटकाओ,
फिर पूछना नहीं है। पूछना नहीं इसका मतलब अंदर दबा के रखते हैं। अंदर दबा के रखते हैं तो और ज्यादा खौफनाक खतरनाक है। तो फिर पूछना है तो भी नहीं है बोलो। हाँ पूछते हैं इसका मतलब कम खतरनाक खौफनाक है। तो सूर्यवंशी की लिस्ट में नहीं है। सूर्यवंशी की लिस्ट में नंबर वार है ना। आप ही बोल रहे हैं जो जिनके सारे प्रश्न समाधान हो गए, जो इस स्टेज में पहुंच गए, जो बाबा ने स्टेज बताई है, क्या पाना था तो पा लिया, अब कछु अब कछु पान होना है, वो हो गए सूर्यवंशी लिस्ट। रोशनी ही रोशनी तो फिर दूसरों को भी देना चाहिए ना। है दूसरों को भी रोशनी देना चाहिए। अरे रोशनी वही लेंगे जो माया के प्रभाव में नहीं होंगे। जो मायावियों के प्रभाव में फंसे हुए हैं, उनके साथ संग का रंग ले रहे हैं, तो उनके ऊपर असर कैसे होगा। एक तरफ पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा है और एक तरफ सूर्य है। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा की परछाया पृथ्वीवासियों पर पड़ती है। पृथ्वीवासी कहते हैं सूर्य है तो रोशनी क्यों नहीं देता है। अरे सबको रोशनी देनी चाहिए ना, लेकिन रोशनी लेने वाले ये बात भूल जाते हैं क्या कि हम किसके परछावे में आ गए, किसके प्रभाव में आ गए। वो किसके प्रभाव में आ जाते हैं, चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के परछावे में आ गए। ब्रह्मा है सुखदाम का अधिष्ठाता, तो दुख पैदा करने वाले प्रश्न लाएगा ना। ब्रह्मा की बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा हुआ है गीता का भगवान कौन, तो दूसरों को भी अज्ञान अंधेरे में लाएगा। जो स्वयं बैठा हो ये समझ करके शिवो हम, इस संसार में शिव का दूसरा साकार रूप कोई भी नहीं है, मैं ही हूं, तो दूसरों को क्या सिखाएगा, कौन सा ज्ञान देगा। इस दुनिया में जितने भी धर्म गुरु हुए हैं या धर्म पिताएं हुए हैं, उन मनुष्य गुरुओं में बड़े से बड़ा गुरु कौन है, है? है? मनुष्य गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु है रावण। तो एक सैंपल बना लिया, वो दस सिरों वाला कोई होता नहीं है। प्रैक्टिकल बात पूछ रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया के अंदर जो मनुष्य गुरु बनते हैं, उन मनुष्य गुरु में सबसे बड़ा मनुष्य गुरु कौन, देहधारी धर्म गुरु। पक्का पक्का करके बोलो, क्योंकि ये कैसे जाएगी दीदी दादियों के पास। है उसको और कुछ बोल रहा है, बोलो ना। इब्राहिम बोल रहे। इब्राहिम कोई ब्रह्मा बोल रहे, कोई ब्रह्मा बोल रहे, कोई प्रकाशमंद दादी बोल रहे। अच्छा तो मनुष्य गुरुओं में प्रकाशमणि दादी का गुरु कौन, ब्रह्मा बाबा। तो प्रकाशमणि दादी मनुष्य गुरु और ब्रह्मा मनुष्य गुरु या देवता गुरु, मनुष्य गुरु। तो दोनों के बीच में बड़ा गुरु कौन, ब्रह्मा बाबा। बड़ा गुरु हुआ ना, इसलिए रावण के चित्र में क्या दिखाया है, रावण के जो दस सिर है उन दस सिरों के ऊपर कौन सा सिर दिखाया है, गदा दिखाया। बाबा हाँ ब्रह्मा को गदा है। अच्छा रुको, वासरमैन कौन है, बड़े से बड़ा धोबी कौन है बेहद का, शिव बाबा इस दुनिया का बड़े से बड़ा बेहद का धोबी है। तो धोबी होगा तो उसकी ध्वनिया भी होगी कि नहीं होगी, है?
भोगी भो कौन है? अरे तो बात पक्की तो हो गई। और गधा भी कोई होगा? मूर्ति साइकिल है ना, प्रैक्टिकल का गायन है त्रिमूर्ति तिरंगा झंडा। ठीक है मैं ठीक है मैं ये कोर्ट में जाते हैं बाबा, ये झगड़ा होता है ना आपकी। क्या झगड़ा होता है? मूर्ति को बताते हैं माता पिता लोग उसको मान रहे हैं बारे में, उसको कोर्ट में जाते हैं लगता है। अब वो भविष्य में क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा ना, भविष्य में बात तो सच्चाई किसी न कोई न कोई तरीका तो है, जो बात सच्चाई सामने आ रहेगी और झगड़े खत्म होंगे दुनिया के। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है वो बड़े से बड़ा यज्ञ है, इस यज्ञ में से दुनिया की बड़े से बड़ी विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है और ये इतनी क्रांति संसार में फैलाता है कि सारी दुनिया इस झगड़े में बस हो जाएगी। ये महाभारी महाभारत लड़ाई है, इसकी जड़ भारत से निकलती है। हाँ ब्रह्म बाबा को डांटते हैं ना? है ब्रह्म बाबा को डांटते हैं ना? आप अपने बच्चों को डांटते हैं कि नहीं? अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है ब्रह्मा को डांटना। आप जब अपने बच्चों को डांटते हैं तो अच्छा लगता है आपको? बताओ तो हाँ ना तो करो कैसे? सुधारने के लिए। सुधारने के लिए ये डांटते हैं तो सुधारने के लिए डांटते हैं। अब प्रजापिता डांटता है तो बुरा लगता है। हो गया टाइम, बोर्ड आ गया था।